क्या आप जानते हैं कि आज तक का सबसे ओल्डेस्ट जो रिकॉर्ड किया गया है वो 2500 साल पुराना है। आप कह सकते हैं कि इसने दो वर्ल्ड में सरवाइव किया है और ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सुनामी और अर्थ को फेस किया है आखिर परिंदे इतने मजबूत घोंसले बनाते कैसे हैं चलिए जानते हैं आपको ये सुनकर शायद हैरानगी होगी कि जैसे पुराने जमाने के लोगों को नहीं पता होता था कि आने वाले वक्त में उनके घरों के डिजाइन कैसे होंगे ऐसे ही पुराने जमाने के परिंदों को भी नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उनके घोंसले कैसे दिखेंगे जैसे जैसे वक्त के साथ क्लाइमेट चेंज हुआ तो परिंदों ने भी अपने आप को बदलना शुरू कर दिया और अपने घोंसलों को रिन्वेंट किया और सबसे एडवांस चेंजेस वीवर बर्ड्स ने की इन्होंने सिर्फ घोंसले ही नहीं बनाए बल्कि मास्टरपीस बनाए वीवर बर्ड्स ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं इनकी सौ से भी ज्यादा स्पीशीज़ हैं। नाम इन्हें इसीलिए दिया गया क्योंकि इंसान अपने बुनते हैं ये पहले पूरे एरिया को स्कैन करते हैं और फिर बड़े ध्यान से पत्तों और शाखों को चूज करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए जैसे एक हाउस कंस्ट्रक्टर को पता होता है कि एक अच्छा और मजबूत घर बनाने के लिए कैसा और कितना मटेरियल चाहिए एग्जैक्ट ऐसे ही एक परिंदों की तरह इंसानों के घरों से धागा चोरी कर सकते हैं पर ये नेचुरल चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जैसे कि मकड़ी का जाला पत्तों के अलावा ये मजबूत टहनियों के किनारे भी चूज करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए एक घोंसला बनाने के लिए 500 से हजार घास की लड़ियां लग जाती हैं और कम से कम 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं वीवर बर्ड को एक घोंसला कंप्लीट करने के लिए और कभी कभी तो इतनी मेहनत से बनाया हुआ घोंसला ये खुद ही तोड़ देते हैं लेकिन ये ऐसा करते क्यों हैं? मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वीवर बर्ड्स अपना घोंसला सिर्फ मजबूत ही नहीं बनाते बल्कि इनकी कोशिश होती है कि इनका घोंसला छुपा हुआ भी होना चाहिए क्योंकि इन छोटे से प्यारे और मासूम परिंदों का सबसे बड़ा शिकारी है सांप इस मसले से निपटने की प्लानिंग शायद वीवर बर्ड्स ने बहुत अरसा पहले ही कर दी थी इसीलिए इन्होंने अपने घोंसले के एंट्रेंस नीचे की तरफ कर दी जिससे बाकी परिंदों के घोंसलों पर हमला करना तो शायद आसान होगा पर वीवर बर्ड के केस में बिल्कुल भी नहीं लेकिन वीवर बर्ड्स इतनी मेहनत से बनाया हुआ मजबूत और प्यारा घोंसला तोड़ते क्यों हैं? बेसिकली घोंसला बनाने का काम मेल बर्ड का होता है और जब घोंसले की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये अपने परों को हिलाकर फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करता है फीमेल बर्ड के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, इसीलिए ये सिर्फ उसी मेल बर्ड को चूज करती है जिसका घोंसला बहुत ज्यादा ऊंचा मजबूत और खूबसूरत होगा लेकिन अगर एक मेल बर्ड किसी फीमेल को अपने घोंसले से अट्रैक्ट ना कर पाए तो वो इस घोंसले को या तो आधा तोड़ देता है या बिल्कुल ही गिरा देता है इनका मेटिंग सीजन मोन होता है और एक मेटिंग सीजन में मेलबर्ड बहुत सारे घोंसले बना सकता है वैसे कितना मुश्किल होता होगा ना कि इतनी मेहनत से एक प्यारा और मजबूत घर बनाकर फिर उसे खुद ही तोड़ देना क्योंकि उसे फीमेल ने रिजेक्ट कर दिया है वैसे दूसरे छोटे परिंदे बर्ड्स के घोंसले में रहना काफी पसंद करेंगे क्योंकि ये तो एक बहुत ज्यादा मजबूत भी है और बहुत सेफ भी अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन ये इतना मजबूत जरूर है कि तेज बारिश तेज हवा और कई बार तो तूफान भी इसको नहीं गिरा पाता और इसके पीछे रीजन ये है कि ये अपने घोंसले को वाटर प्रूफ बनाते हैं और इवन के इसके अंदर से हवा भी नहीं गुजरती और ये ऐसे पॉसिबल हो पाता है कि जब अंडे देने का टाइम आता है तो फीमेल बर्ड और मेल बर्ड दोनों घोंसले को अंदर से अपनी चोंच के जरिए गीली मट्टी लगा देते हैं जिससे हवा और पानी दोनों घोंसले के अंदर नहीं आ पाते आप पता नहीं इन परिंदों ने ये तरीका इंसानों से सीखा है या इंसानों ने इन परिंदों से क्योंकि इंसान भी ऐसे ही मट्टी के घर बनाकर रहा करते थे बल्कि आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे लोग मट्टी के घरों में रहते हैं वैसे इन मिट्टी के घरों का फायदा भी बहुत है क्योंकि ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म जैसे इंसान करीब करीब घर बनाकर एक साथ रहते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं इसी तरह ये विवर बर्ड्स भी एक साथ अपनी कॉलोनीज बनाते हैं एक कॉलोनी में सौ से भी ज्यादा बर्ड कपल्स रहते हैं ये इस कॉलोनी को बहुत ही अच्छे से डिजाइन करते हैं ये इसकी रूफ को मट्टी शाखों और पत्तों से तैयार करते हैं इस कॉलोनी में सौ से भी ज्यादा चैम्बर्स होते हैं जिसमें ब्रीडिंग के लिए अलग जगह बनाई जाती है और सोने के लिए अलग जगह बनाई जाती है इसमें एक इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम बनाया जाता है और अपनी पूरी कॉलोनी के इर्द गिर्द और एंट्रेंस पे नोकेली लकड़ियां लगाई जाती हैं ताकि शिकारियों से बचा जा सके और ये कॉलोनी सिर्फ एक बार ब्रीडिंग के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि ये नस्लों तक इनके चलती ही रहती है कई बार तो ये सौ साल तक इनकी नस्लें इस्तेमाल करते रहते हैं आपको वो घोंसला याद ही होगा जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था 2500 साल पुराना घोंसला उस घोंसले के साथ दो से तीन और भी घोंसले ढूंढे गए थे जो 500 से हजार साल पुराने हैं ये घोंसले जहर फैल्कन्स के बताए जाते हैं फैल्कन्स की सबसे बड़ी स्पेशी ये ठंड में रहना पसंद करते हैं और परिंदों के सबसे बड़े शिकारी भी हैं ये अपने घोंसले खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों के घोंसलों पर कब्जा करते हैं और इन कब्जों के लिए ये आपस में लड़ाइया भी करते हैं कभी कभी तो लड़ाई किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होती है और इनके सबसे बड़े कंपटीटर हैं पेरीग्रीन फैल्कन जो अपनी स्पीड की वजह से जाने जाते हैं लेकिन एक बार अगर जहर फैल्कन किसी घोंसले पर कब्जा कर ले तो वो हर साल ब्रीडिंग के लिए उसी घोंसले में आता है है और ये घोंसले उनके जनरेशन के इस्तेमाल में भी रहते हैं रिसर्चर्स का कहना है की जो पच्चीस साल पुराना घोंसला है वो अभी तक किसी जहर फैलकन के इस्तेमाल में है वैसे इंसानों के और परिंदों के काम कितने एक जैसे हैं ना? लेकिन एक काम है जो इंसान कर सकते हैं परिंदे नहीं और वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में